गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने माइनक्राफ्ट वीडियोस के लिए या फिर माइनक्राफ्ट के वीडियोस हो या फिर लाइव स्ट्रीमिंग्स के लिए एक ऑसम और अमेजिंग थंबनेल कैसे बना सकते हो, और वो भी अपना स्किन ऐड करके, मतलब जो कि माइनक्राफ्ट में आप अपना स्किन मतलब डालते हो ना, कस्टम स्किन होते हो, वो ऐड करके आप अपने थंबनेल कैसे बना सकते हो। और आज इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, अगर आप एक माइनक्राफ्ट यूट्यूबर है, मैं भी एक माइनक्राफ्ट यूट्यूबर हूँ, मैं भी सर्वाइवल सीरीज़ बनाता हूँ अपने चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं आज इस वीडियो में पहली बार जो है लाइक्स का एम रख रहा हूँ, और जो कि लाइक्स का एम है 20 लाइक्स, तो प्लीज़ यार 20 लाइक्स कर दो। और जो भी वीडियो देखने आए, और सबसे पहले यार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये वीडियो ऑसम है। और ये वीडियो ऑसम उनके लिए है जो कि माइनक्राफ्ट के यूट्यूबर्स हैं, छोटे बड़े, जो कि हिंदी में वीडियोस बना रहे हैं। मतलब मैंने कहीं यूट्यूबर्स को देखा है, खासली इस मंथ में जो बहुत सारे यूट्यूबर्स आए हैं जो कि माइनक्राफ्ट के वीडियोस बना रहे हैं, ज़्यादातर सर्वाइवल सीरीज़ बना रहे हैं। तो यार उन सभी के लिए यह वीडियो है जो कि आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि माइनक्राफ्ट के मतलब थंबनेल कैसे बनाते हैं, जो कि ऑसम और अमेजिंग थंबनेल्स हैं। और उस थंबनेल्स को बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा एक वेबसाइट में, और जहाँ से हम बनाएंगे पहले माइनक्राफ्ट का इमेज, जो कि हमारा खुद का स्किन ऐड करके, जो भी आप अपना स्किन यूज़ कर रहे हो माइनक्राफ्ट में, वो स्किन वहाँ पे ऐड करके और आप वहाँ पे थंबनेल बना सकते हो। और चलिए दोस्तों, चलते हैं उस वेबसाइट पर। तो गाइज, मैंने अपना ब्राउज़र जो है ओपन कर लिया है, और इसके लिए मैंने यूज़ किया है क्रोम ब्राउज़र। और मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप भी क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद दोस्तों, सिंपली हमें जाना है गूगल में, और गूगल पे हमें जाके सर्च करना है नोवा स्किन वॉलपेपर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ नोवा स्किन वॉलपेपर, जो कि नीचे आ चुका है। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको गूगल पे जाके टाइप करना है और इसे सर्च कर देना है। तो सर्च होने के बाद जो पहला रिजल्ट निकल के आएगा वॉलपेपर्स नोवा स्किन, तो दोस्तों इस पहले वाले ऑप्शन पर हमें जाना है, और यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन खुल चुका है दोस्तों। आप देख सकते हो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि दिखने में बहुत ऑसम है। और दोस्तों, जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आपको यहाँ पे हज़ारों माइनक्राफ्ट के वॉलपेपर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि विदाउट स्किन के है, और हमें यहाँ पे अपना स्किन जो है इसमें ऐड करना है। आप कौन सा भी इसमें स्किन आप ऐड कर सकते हो, और दोस्तों आप देख सकते हो कि बहुत सारे हैं यहाँ पे, और अनेक अनेक ऑसम वॉलपेपर्स यहाँ पे हैं। और दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि माइनक्राफ्ट पी हिंदी के वॉलपेपर्स, जो कि मतलब थंबनेल्स, जो कि आप अपने लाइव स्ट्रीम में इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा कि वो थंबनेल्स, और वो भी यहीं से ही बनाते हैं अपने थंबनेल्स, आई थिंक मुझे लगता है वो भी यहीं से ही बनाते हैं, मतलब उनके थंबनेल्स मैंने कहीं सारे इस इमेज में देखे हैं इन वॉलपेपर्स में। तो दोस्तों, बस आपको सिंपली से यहाँ पे कौन सा भी आपको वॉलपेपर चुन लेना है, जो आपके हिसाब से आपको ऑसम लगे, बढ़िया लगे। और यहाँ पे मैं एक वॉलपेपर चुन लेता हूँ, ये मैं वॉलपेपर यहाँ पे चुन लेता हूँ, ठीक है, ये लोड हो रहा है वॉलपेपर, हाँ ये पूरी तरह से लोड हो चुका है। और देख सकते हैं यहाँ पे इसकी स्किन यहाँ पे नहीं है, जो कि ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमें अपनी स्किन ऐड करनी है, जो कि अपने हिसाब से होगा, आप अपना कोई भी स्किन ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे नीचे हमें ऑप्शन मिल जाता है चूज स्किन का, तो सिंपली हमें इस पर टाइप करना है चूज स्किन पे। और जैसे हम चूज स्किन पे टाइप करेंगे, तो दोस्तों पहले से ही इन्होंने यहाँ पे कहीं सारे स्किन जो है देके रखे हैं, बट हमें यहाँ पे अपना खुद का स्किन जो है ऐड करना है। उसके लिए हमें जो है बगल में वहाँ पर दिखाई दे रहा है उस वाले ऑप्शन को हमें दबाना है, और तो वहाँ पर दबाने के बाद दोस्तों हम आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमें करना है ब्राउज़र। और ब्राउज करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको अपने इमेज जो है सारे मिल जाएंगे, आपको अपने हिसाब से चुन लेना है कि आपने अपने इमेज कहाँ पे रखे हैं। आपको यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन भी मिल जाएगा, फोटोस, क्विक पिक्स, जेड आर्चीवर, आप अपने अपने फ़ोटो जहाँ भी रखे हैं, और आप अपने मतलब स्किन का जो है होता है वो फ़ोटो,
जहाँ पे भी रखे हैं वहाँ से आप निकाल लीजिए। तो मेरे यहाँ पे ऊपर ही रखे हैं एमसीपी स्किन्स, तो ये मैं स्किन यहाँ पे चुन लेता हूँ। और ठीक है, मैंने यहाँ पे स्किन चुन लिया और दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पे उसका स्किन जो है चेंज हो चुका है और यहाँ पे स्किन जो है बदल के आ चुका है। तो इसी तरह से काम करता है ये वेबसाइट और बहुत ही औसम वेबसाइट है। और ये काम होने के बाद हमें सिंपली यहाँ से इसे डाउनलोड करना है और डाउनलोड के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है और बस हमें यहाँ पे इसको क्लिक करना है और हमारी जो पिक है मतलब इमेज जो है ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों हमारी इमेज जो है डाउनलोड होने को स्टार्ट हो चुकी है और आप यहाँ से बहुत सारे इमेज अपने स्किन डाल के डाउनलोड कर सकते हो और जो कि आप बाद में आपको जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे एडिट करके आप अपने वीडियोस के लिए ले सकते हो। दोस्तों हमारी इमेज पूरी तरह से यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है और जिसको मैंने ओपन भी किया है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसी इमेज है। मतलब इनकी क्वालिटी बिलिटी में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ऑसम आपको इमेज एक से एक बढ़कर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस मुझे आपको यही बताना था कि आप अपने वीडियोस के लिए थंबनेल कैसे बना सकते हो और यही था सभी प्रोसेसर। तो सो यार, आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो। पहली बार मैंने 20 लाइक्स का एम किया है तो प्लीज़ यार 20 लाइक्स का एम पूरा कर दो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बस इतना ही कहना था यार, 20 लाइक्स का एम पूरा ज़रूर करना। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जो कि मेरे सर्वाइवल सीरीज़ के तरफ से है, मतलब जो कि मैं माइनक्राफ्ट के वीडियोस बनाता हूँ। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं अपना न्यू हाउस बनाने वाला हूँ, तो दोस्तों उसके लिए मैंने अपनी लोकेशन जो है चेंज कर लिया, मतलब जो मेरी पुरानी लोकेशन थी जो आप वीडियो देख रहे थे, तो वो लोकेशन मैंने चेंज कर लिया और मैंने अपना लोकेशन चेंज करके दूसरी तरफ घर बनाया है, जो कि आने वाले भागों में आपको पता चल जाएगा। तो ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, #minecraft।